Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. इसको पता है कि आगे हम लोग कितना हंगामा मचाने वाले. Obviously, so happy for you guys. Thank you. अच्छा, that moment जब Vivek announce हुआ, क्या लगा? मुझे तो ऑनेस्टली वो एक लंबा सा पॉज था जब उन्होंने कहा एंड द विनर्स आर एंड देन शी टुक अ वेरी लॉन्ग पॉज एंड आई कुड ओनली थिंक ऑफ द फ्लैश आई वाज गेटिंग फ्लैशबैक्स कि हमने कौन कौन से एक्ट्स किए थे उसमें कैसा परफॉर्म किया था और तुम्हें मुझे तो ना मैं सुन पड़ गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस पॉज के दौरान सिर्फ मुझे पहले सोना का चेहरा ऐसे ऐसे मुंह ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया बट शी सेइंग समथिंग विनर ये वो और मैं ना मैं स्क्रिप्ट पे चली गई कि स्क्रिप्ट लेवल पे क्या लिखा हुआ है अच्छा। मेरा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई सडनली क्योंकि मैं ना इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि दिस इज द मोमेंट अभी खत्म नच बलिए की जर्नी यही है बस वो सिंकिंग ही नहीं हो रहा था मैं स्क्रिप्ट लेवल पे चली गई फिर वो पॉज आ गया I was like, I don't know. I don't want to think about this. So I had a blank out kar diya tha, and then suddenly, Divyanka, Vivek. And I'm like, and he just hugged me. There was nothing else beyond that. Uske baad to matlab, sab itne fatafat udhar patake phood rahe, log congratulate kar rahe. And rest is a history. Obviously, and the celebration just begin, है ना? Yeah, just about to begin. Exactly. अच्छा काबिले तारीफ आप दोनों की इतनी मेहनत हमने देखा इतनी इंजरीज हुई इतनी सारी यू नो ऑब्स्टेकल्स क्रॉस किए और यहाँ तक पहुँचे और ट्रॉफी भी है आपके हाथ में अब तो क्या जब हो गए भाई दुबले हो गए देखो क्या हुआ एक ट्रॉफी मिली और साथ में एक और गिफ्ट मिला दुबलापन ये बेस्ट हो गया क्या कहना चाहेंगे विवेक इतनी मेहनत दुबलेपन पे अच्छा मुझे भी सी पेरेंट्स से कंप्लीटली बहुत मेहनत की थी यार ऑफ कोर्स और मेहनत रंग लेके आई है आज एंड वी आर मोर देन एक्सटेटिक वी आर इट्स जस्ट अ फीलिंग अभी सिंक इन नहीं हुई है और कल सुबह तक हो जाएगी and but we are just really really grateful indebted to our fans for lifetime now ki unhone hame hamari manzil tak pahunchaya aur agar wo nahi hote unka support nahi hota divyanka ko itna log pasand na karte aur hamari jodi ko itna zyada pasand na karte to aaj hum yahan pe nahi khade hote aur saath hi hamare wo rishtedar jinhone bahut mehnat ki apne अपने फ्रेंड्स को बताया कि देखो हमारे बच्चे ये कर रहे हैं तो प्लीज़ वॉच देयर शो एंड ऑफ कोर्स आर प्रोडक्शन एक तो BBC स्टार प्लस जिन्होंने इतनी हेल्प की लाइक पूरी जर्नी को हमारे लिए आसान किया दूसरा बालाजी मोहब्बतें से मेरे लिए मतलब अदरवाइज अगर उनका सपोर्ट नहीं होता इट वुड हैव बीन रियली टफ कि मैं यहाँ आके परफॉर्म करती most supportive team I could see that celebration yes yeah. it's not just us winning it it's not just us hame matlab hamare upar socho kitna bada daitva tha ki jeetna hi hai kyunki sirf hum dono ke liye nahi itne sare logon ke liye jeet rahe hain thank god I mean hamara hum thoda sa ye bhi ho jate the na thoda sa less ambitious ho jate the ki yaar you know yahan tak aa gaye jaise top 3 mein the to top 3 mein aa gaye theek hai agar nahi bhi jeete to hamari jo team thi around वो कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता आप नहीं जीतो आपको ही जीतना है तो हम पे प्रेशर और बन जाता है यार तुम लोग रात रात भर मैसेजेस आ रहे हैं आपको जीतना है हमें नींद नहीं आ रही यार रिलेटिव्स तो इतने लोग सिचुएशन में हम लोग जैसे कल रात की बात है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वोटिंग के ऊपर डिसाइड हो रहा है हम टॉप 3 तक आ गए इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते सो हमें पता नहीं है कि उन्हें कैसे जवाब दें क्योंकि वो इतना पैशनेटली हमें प्यार करते हैं बोलते हैं कि आपको ही जीतना है अरे हम कैसे जीते हैं हम क्या कर सकते हैं बस ऐसे कर करके मैं मैसेजेस भेज रही थी सबको बस फिंगर्स क्रॉस्ड और मैं क्या बोलूं कुछ बोलने के लिए आई यूज्ड टू गेट मैसेजेस यू नो अननोन नंबर से सेइंग देखो हमने वोट कर लिया आपने किया आपके फ्रेंड्स ने किया सो दैट वाज सो स्वीट देयर वाज अ ह्यूज नेटवर्क that supported us and you know people have gone out of their ways to support us not just within India bahar out of India Sri Lanka Pakistan Indonesia se log fan jo fans the wo social media pe unhone dhoom macha ke rakha hua tha aur you know they were campaigning for us aur ye pyar pana matlab ye hamare liye sabse badi blessing hai asal mein agar aaj hame ye trophy hai hamare haath mein we are very happy par asal mein hame wo jo pyar mila hai na
हम उससे बहुत ज्यादा खुश हैं. हम लोग लकी हैं दैट वी हैव देम विद अस. ओके, लास्टली एनिवर्सरी गिफ्ट इससे अच्छी नहीं हो सकती. ट्रॉफी लेना चाहेंगे हाथ में और एक दूसरे को देना चाहेंगे. बहुत भारी है, बहुत एनिवर्सरी गिफ्ट है. सो दिस इज वी कम्प्लीट वन ईयर ऑफ मैरिज और हम लोग एडवांस में थोड़ा सा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा परिवार यहाँ पे, हमारे दोस्त सब वेल विशेज यहीं पे ही हैं. सो इससे ज़्यादा बेहतरीन सेलिब्रेशन और गिफ्ट नहीं हो सकता हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए. सो हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.